एक इस पे भी डाल दे, नहीं इस पे रहने दे, इस पे रहने दे। 9 बजे पहुंचना है ना दीपांशी, 8:45 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 8:45 पे 8:20 तो यहीं हो गए। पता लेट हो रही हूं। कोई नहीं, बस पहुंच गई, फटाफट इसको ड्रॉप करेंगे। बाय दीपांशी। बाय दीपू। बाय बाय दीपू। ये हमने इसको ड्रॉप कर दिया है। बाय। गुड मॉर्निंग एवरी वन। सो आई एम बैक विद अ न्यू व्लॉग एंड आज अभी बहुत ज़्यादा फॉग हो रही है, आप देख सकते हो। जैसा मैंने आप सबको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरी कार ठीक होने गई थी, तो हम लेके आ गए थे, कल रात को ही लेके आए हैं, मतलब 7-8 बजे के आसपास। तो अभी हम जा रहे हैं जिम में। एक चीज़ बताती हूँ, अभी ये देखो टेम्परेचर मैंने हाई करा हुआ है, और अगर अभी पापा बैठे होते ना या मम्मी होती, वो क्या करते हैं, न्यूज़ देख लेते हैं, और उन्होंने न्यूज़ देखी होगी कि हाई टेम्परेचर गाड़ी में रखने से ये हो गया वो हो गया, और फालतू की न्यूज़ देखने से गाड़ी फट जाती है, और फालतू की न्यूज़ देखने से गाड़ी का टेम्परेचर कम करो, ये करो वो करो, इतनी ज़्यादा अभी रिस्ट्रिक्शन लगा देते। जिम पहुँच गए हैं, फटाफट हम वर्कआउट करने वाले हैं, हैवी वर्कआउट, हैवी वर्कआउट। आज का वर्कआउट हम दोनों ने कर लिया, प्रोटीन पी लिया है, प्रिंस ने भी पी लिया है, अब जा रहे हैं घर पे। और पहुंचते पहुंचते आई थिंक बीच में से हम लेंगे वेजिटेबल जूस। गाइज ये कंबल देख रहे हो, ये कंबल देख के मेरे को याद आया कि मैंने काफ़ी टाइम पहले भी सोचा था और बीच में मैं भूल गई थी कि मेरे को कंबल बांटने हैं सर्दियों में। जितना हो सकेगा मैं हेल्प करूँगी, और मैं सोच रही हूँ कि आज ही लेके आती हूँ और देखती हूँ आज। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा हॉस्पिटल पापा को लेकर। हाँ पापा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, तो अभी पहले हॉस्पिटल जाएगा। अगर टाइम बचता है तो आज लेके आऊँगी, नहीं तो फिर कल तो पक्का ही लेके आने वाली हूँ। लेकिन ये मैं करूँगी, आज नहीं तो कल पक्का मेरे को ये करना है। गाइस हमारी मॉर्निंग ड्रिंक रेडी। चीयर्स। अब प्रिंस के होट हो जाएंगे लाल लाल। का टैग घुमा दिया इसने, नीचे नहीं मिलेगा, पीछे कौन रखेगा, पीछे ढूंढ रहा है। कभी गिर गिर गया, उड़ गया वो। मतलब ऐसे ही ओपन करवा ले और क्या करेगा, नहीं तो इसके अंदर तो नहीं घुस गया, देखिए उस तरफ। इसके अंदर नहीं जा सकता जमीन। देख रही, मैंने सेफ करा हुआ इसको बिल्कुल। कितना दिमागदार है मेरा भाई। इसको चिपकाऊंगा आज। आज इसको पेस्ट कर दिया याद से। अभी अभी ये सही लगा तो हुआ था, तूने हटा क्यों दिया? अरे वो वहां से नहीं चलता वो। ओके। जैसा कि मैंने सुबह आप सबको बोला था कि मैं कंबल वगैरह बांटने जाऊंगी शाम को, क्योंकि हमें खुद को इतनी ठंड लगती है, वो भी घर के अंदर, और जिसमें हम कंबल उम्बल लिए होते हैं फिर भी ठंड लगती है, और वो बेचारे जो सड़कों पे सोते हैं पूरी रात ऐसे रहते हैं,
उनको कितनी ज़्यादा ठंड लगती है। उनमें कुछ तो ऐसे भी है जो जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, जो अर्न भी नहीं कर सकते मतलब, और ना उनको कोई संभालने वाला है। तो हमने डिसाइड किया था कि जितना हो सकेगा हम हेल्प करेंगे, और अभी जस्ट हम कंबल लेने जा रहे हैं। सुबह के बाद जैसे ही जिम से आए थे तो उसके बाद पापा को हॉस्पिटल लेके गए थे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, फिर उनको फीवर वीवर आ रहा था, लेकिन अब वो बेटर हैं, अब ठीक है, और घर पर भी ले आए हैं उनको। तो अब हमने सोचा कि चलते हैं। और गाइज आई थिंक इवनिंग में ही ज़्यादा बेटर रहेगा उनको देना, क्योंकि दोपहर में तो फिर भी थोड़ी बहुत धूप होती है तो इतनी ठंड नहीं होती और सब अपना नॉर्मली इधर उधर जाते हैं। तो हमने सोचा रात को ज़्यादा बेटर रहेगा, तो अभी लेंगे 6:30। लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं तो उनको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आपसे भी जितना हो सके, हम सब अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, इतना ज़्यादा बिज़ी हो रखे हैं कि हमें छोटी छोटी चीज़ों का कोई होश ही नहीं है। बस अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, अपने लिए ये करना है वो करना है, लेकिन हमें इन चीज़ों के लिए भी एटलीस्ट जितना हो सकता है उतना टाइम निकालना चाहिए। और लिटरली अंदर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है, और मुझसे जितना ज़्यादा हो पाता है मैं करती हूँ। आप सबकी इतनी सी हेल्प से उनको इतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते। हेलो अंकल। बटले बता कहाँ मिलेंगे कंबल वगैरह? कंबल भाई राजापुरी है, स्टमीन गाड़ी में 1 घंटे से और अभी तक उनके कंबल आए नहीं है। उसपे सिर्फ और 5 कंबल थे वैसे। ने 2 किलो मूंगफली तो खा चुका है, अब ये तीसरी लिया बताना भाई। 1 किलो की पन्नी है, 1 किलो की, 2 किलो की जो बाहर फेंकी है। अभी पीछे देखो ना कैसे करके बैठा, देख भाई एक बार दिखाना, देना पूरी तैयारी में बैठा, देखो कितनी मूंगफली है। अंकुर का इतना पेट फूल गया, बटन अपने आप खुल रहे हैं शर्ट के। गाइस हम इधर उधर घूम रहे हैं फिलहाल, जो जो दिख रहा है उसे देते जाएंगे। अपनी प्रमोशन का नहीं छोड़ेगा अंकुर। लाइट तो जला ले, और वो रिमूव था बेवकूफ, करियो ऑन पीछे से। रिपोर्ट कर दो रिपोर्ट कर दो, इसका अकाउंट बैन कर दो। नहीं दूर दूर तक देख लिया और अभी तक कोई भी नहीं मिला है। हम भाई सो रहे, उठ गया वो, एक उठ गया, देखो उठ तो गया भाई। इनके पास ऑलरेडी कंबल है, फिर फायदा क्या होगा इनको देने का। सो रहे हैं ये तो अपना आराम से सो रहे हैं, दो दो तीन तीन कंबल है इनके पास ऑलरेडी। तो कोई बात नहीं भाई, कल दोबारा देखेंगे। एक एक तेज ना उड़ा दियो, ये तू पकड़ फिर वहां पे देखते हैं। ले और ले क्या हूँ। एक इस पे भी डाल दे, नहीं इस पे रहने दे, इस पे रहने दे, आगे उन पे डाल दे। चल चल डाल दे, बिछाने का काम आ जाएगा ना, एक ही पे दोनों सो रहे हैं। चले ये भैयाई का जमाना ही नहीं है। अरे ला मैं पकड़ लेती हूँ, बाकी तू एक एक करके उड़ा दे। सुबह उठते भैया ठंड लग रही है, कंबल दिया है अभी। अच्छा ठीक है,
बेच बेच मत देना पक्का। गाइस जहाँ भी हमें दिख रहे हैं अभी रात के 1-2 बज रहे हैं, अभी जो भी हमें दिख रहा है ना उसको हम दे रहे हैं। इनको जरूरत ही है। हाँ निकालियो दो ले पकड़ जिनके ये तो छोड़। हाँ इसको दे भैया भैया नीचे बिछा लो ले देख उगड़े पड़े हैं कई सारे बंदे एक ही उड़ के। प्रिंस एक और देते भाई वो जो नहीं उस तरफ वो जो लेटा हुआ ना अलग से। ये ढंग से नहीं उड़ाया तूने। नहीं ये ढक दे पूरा आ जा रुकेंगे। इतनी लेट तक आप घर से बाहर क्या कर रहे थे प्रिंस राज? और ये गन्ने कहाँ से लेके आए हो? ये कहाँ से लेके आए हो? ये मेरे दोस्त ने दिए। खाने आते ही है जो लेके आ गया और क्या। तो गाइस अभी रात के 3 बज रहे हैं और अभी हम घर पे आए हैं और थोड़े बहुत कंबल बचे हुए हैं वो बाद में कल देख लेंगे रेड लाइट वगैरह पे जिसको ज़रूरत होगी। और मेरा गला बिल्कुल बैठ गया है मुझसे बिल्कुल बोला नहीं जा रहा और बहुत ज़्यादा नींद में हो रही हूँ अभी बस बेड दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं।